हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बीएससीजी लेक्चर्स आई होप आप सभी ठीक होंगे अपने अपने घर पे होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो गाइस देखिए बीएससीजी लेक्चर हमारा चैनल है बीबीवाई सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ एंड देन बायोडावर्सिटी माइक्रोब्स एल फंगी एंड आरकोगोनिक्स बुक का नाम है एंड हम क्या पढ़ रहे थे तो यूनिट सेवन यूनिट सेवन में हम एलगी के मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे तो इसका जस्ट पार्ट टू है ठीक है पार्ट वन में हमने नॉस्टॉक हो गया क्लाइमिटोमनाज हो गया एंड ऑयडोग तीन स्पीसीज थ्री स्पीसीज हैं इनके बारे में हमने डिस्कस करा था अच्छे से करा था आप जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो देखें तब पार्ट टू पे आइए पार्ट वन जरूर देखिएगा गाइस तो देखिए आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा वाउचेरिया क्या वाउचेरिया जो है ये आपका एक और स्पीसीज है जिस जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे ठीक है तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले फटाफट जाइए आप जाके सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दिए ताकि हमारे आने वाली जितनी भी क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ठीक है बात करते हैं हम की स्टार्ट सेवन पॉइंट टू पॉइंट फोर ठीक है बाउचेरिया तो देखिए गाइस बाउचेरिया का डिवीजन की बात करें डिवीजन की बात करें तो इसमें आपको क्या है डिवीजन आपको

उसके बाद हम कर रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर की बात करें तो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है तो ये वाउचर वाँचर, वाउचर ठीक है ये इनका ऑर्डर है एंड जीनस की बात करें आपका है, है? तो आपका वाउचरिया है है ठीक तो पे बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट वाउचरिया के स्पीसी देखने को मिलेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके ऑक्योरेंस की कि किस तरीके से ऑक्योर करता है ठीक है जैसे हमने प्रीवियस स्पीसीज के बारे में जाना था देन देखिए क्या है जीनस वाउचेरिया ये कहाँ पे फाउंड होता है तो वाउचेरिया फाउंड होता है एबडेंटली इन टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड जहां पे भी टेम्परेट रीजन है जहाँ पे थोड़ा सा गर्म सा तापमान है मतलब ह्यूमिडिटी वगैरह ज्यादा होता है देन उस जगह पे आपको क्या है वाउचेरिया का ऑकरेंस देखने को मिलेगा ठीक है इट इज फाउंड इन ऑफ हैबिटेट आपको बहुत सारे रेंज ऑफ हैबिटेट में देखने को मिलेगा जैसे कि आपका टेरेस्टेरियल हो गया और आपका वाटर हो गया ठीक है टेरेस्टेरियल वाटर 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 दोनों लैंड लैंड ऑन ऑन एंड ठीक है तो देन देखिए क्या है टेरेस्टेरियल स्पीसीज की बात करें तो वो क्या है वी टेरेस्टेरिस क्या है वी टेरेस्टेरिस ठीक है ये याद रखिएगा ये क्या है टेरिस्टेरियल स्पीसीज जिसके नाम लास्ट में आपको मालूम भी चल रहा है जो है आपका वो किस तरीके से दिखता है तो येलो ग्रीन दिखता है कैसा मैट होता है मैट की तरह होती उस तरीके से क्या है कवर करके रखता है आपका को. भी हो सकता है, हो, सकता है, uh, हो सकता है कुछ भी हो सकता है उन पे क्या है एक मैट लाइक क्या है कवरिंग बना लेता है वही आपका क्या होता है वी टेरिसरिस होता है एंड अब बात करेंगे यानी वैसा ऑर्गेनिज्म वैसा स्पीसीज क्या हो वाटर में भी रहता हो एंड लैंड uh, पे भी रहता हो यानी टेरिटरी पे भी रहता हो यानी दोनों तरह के कंडीशन में वो सर्वाइव कर लेता है देखिए एज वी देखिये जोनेसी की बात करें तो जोनेसी जो है आपका वी जोनेसल वोनेसी वो आपको कहाँ मिलेगा तो वो मिलेगा स्नो कवर्ड पीक्स में जो कि माउंटेन्स होते हैं माउंटेन्स के इस तरीके से स्नो कवर्ड पीक्स होते हैं तो यहाँ पे आपको ये स्पीसीज uh, जो है वाउचेरिया का फाउंड देखने को मिल जाएगा सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर फिलहाल सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर फिलामेंट्स होते हैं उसके। किसके तो वाउचेरिया के ठीक है तो देखिए गाइज और वो क्या होता है ब्रांच्ड होते हैं ब्रांस देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है मैं बना देता हूं बाकी यहाँ पे तो फिगर मौजूद ही है इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ये होता है और पे आपको होल्ड फास्ट मिल जाएगा यानी इसका राइजॉइड मिल जाएगा जैसे कि अटैच होता है में जाके देखिए क्या है ये क्या होता है नॉन सेप्टेट होता है क्या होता है नॉन सेप्टेट होता है और ये अपेयर किस तरीके से दिखता है तो येलो ग्रीन येल्लो इज ग्रीन होता है इसका जो कलर होता है वो येलो येलो इज ग्रीन होता है तो किसके कारण होता है तो इसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ये या मैं कहूँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है होता है क्या होता है जेंतोफाइल होता है है ना ग्रीन वाला आपका क्या होता है क्लोरोफिल होता है और जेंथोफाइल्स आपका येलो इज प्रेजेंस देता है येलो इज ग्रीन प्रेजेंस देता है देन बात करेंगे इसको इसकी दिज आर अटैच टू दबेटम बाय द रिजॉइड ठीक है रीज जो है आपका क्या है एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है बट दैट इज नॉट रूट ओके okay. रूट नहीं होता है ये एक तरीके से होल्ड फास्ट होता है जो कि क्या करता है जाके में जाके अपने आप को अटैच करके रखता है है ना तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है तो रिजोइड होता है देन देखिए क्या है फिलामेंट जो है क्या कैसा होता है आपका तो को एनोसाइटिक साइटिक होता है क्या होता है को होता है एंड द आउट इट्स लेंथ और इसके जो प्रोटोप्लाज्म आपको क्या मिल जाएंगे कंटिन्यूस थ्रू आउट इट्स लेंथ इसका जितना लंबा बॉडी होगा जितना क्या है ये इस तरीके से जितनी ब्रांच है आपको यहाँ पे कंटिन्यूली आपको प्रोटोप्लाज्मा दिख जाएगा अब बात करें सेप्टा की तो सेप्टा क्या है प्रोड्यूज ओनली टू डेमो डेमो डी मार्केट सॉरी डी मार्केट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन केस ऑफ एन इंजरी क्या हो कि जब आपका क्या हो जाए इसमें किसी किसी प्रकार की इंजरी आ जाए कट जाए ब्रेक हो जाए या फिर किसी भी तरीके से इसमें क्या है एक्सीडेंटल ब्रेकेज आ जाए तो उस केस में क्या होता है ये क्या करता है सेप्टा प्रोड्यूस करता है क्या करता है सेप्टा प्रोड्यूस करता है जो कि एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है क्या होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है देखिए अब बात करते हैं फिलामेंट वॉल की तो फिलामेंट वॉल जो आपका क्या है सेलुलोज एंड पैक्टिन से बना होता है इसका जो फिलामेंट जो है ये आपको डिफरेंट डिफरेंट फिलामेंट देखने को मिल रहे हैं इसका जो वॉल है वो किससे बना होता है तो सेलुलोज क्या है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन का बना होता है ठीक है गाइस और क्या है फ्लेक्सिबल भी होता है इसका जो आपको फिलामेंट देखने को मिलेगा काफी फ्लेक्सिबल भी होता है और वीक होता है थोड़ा वीक होता है जिसके कारण ये कभी कभी क्या है? इंजरी का सामना करना पड़ता है इसे देन देखिए क्या प्रोटोप्लाजमे से सेंट्रल वैक्यूल प्रोटोप्लाज्म में आपको एक सेंट्रल वैक्यूल भी मिल जाएगा इस तरीके से यहाँ पे मान लीजिए कहीं भी इस तरीके से सेंट्रल वैक्यूल मिल जाएगा जो कि क्या है डेट रन कंटिन्यूअसली थ्रू द फिलामेंट और जो कि क्या है कंटिन्यूसली वो फिलामेंट के थ्रू क्या होता है रन कर रहा होता है ना

बाउचेरिया के अंदर क्या so करता है तो वो स्ट्रीमिंग उसमें क्या? स्ट्रीमिंग। इसमें क्या है? जो ऑर्गलेस होते हैं वो क्या करते है? स्टीम हैं एक तरीके से मूव अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और जो उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है फिलामेंट का वहां तक वो मूवमेंट एक तरीके से मूवमेंट करते हैं है हम बात करें क्लोरोफिल की तो क्लोरोफिल ए आपको मिल जाए मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं और उसमें कौन कौन से पिगमेंट्स मिल जाएंगे तो क्लोरोफिल ए मिल जाएगा आपको कैरेटोनॉइड्स मिल जाएगा आपको एंड जेंथोफाइल्स तो आपका होता ही है कहाँ पे तो इसके क्या कहते हैं आ, इसके वॉल में होता है ठीक है फिलामेंट वॉल में बना होता है देखिए उसके बाद हम बात करें आ, प्रिंसिपल्स मतलब ये सारे क्या है फोट, प्रिंसिपल फोटोसिंथेटिक जो मेन पिगमेंट जो होते हैं ये आपके क्या क्या, क्या है क्लोरोफिल ए कैरेटनोइ्स एंड जैन है अब देखिए आपका उसमें क्या है दो आपको पिगमेंट प्रिंसिपल पिगमेंट्स मिल जाएगा कौन कौन सा है आपको तो आपका पहला हो जाएगा सिफोएन हो जाएगा एंड सिफो सिफोजैंथिन ठीक है क्या होगा सिफोन, सिफोनो, हो जाएगा आपका जो कि आपके किस में होता है वाउचेरिया में प्रेजेंट होता है ठीक है सिफोन की बात कर रहे थे हम सिफोन में पाए जाने वाले सिफोनिल्स की बात कर रहे थे जिसमें प्रिंसिपल पिगमेंट जो है आपके वो कौन से सिफोनिन सिफोन सिफोनेन है और सिफोनो

को फॉलो करता है पहला आपका हो गया वेजिटेटिव दूसरा असेक्सुअल एंड तीसरा सेक्सुअल यानी तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलते हैं बात करें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तो वो किस प्रकार से होता है किस टाइप से होता है तो देन देखिए क्या है वो सिंपली क्या होता है फ्रेगमेंटेशन मतलब वो टूट के बिखर जाता है फ्रेगमेंट और जो फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि फिलामेंट से ब्रेक हो जाते हैं कैसे एक्सीडेंटली क्या होते हैं एक्सीडेंटली या किसी भी प्रकार का मैकेनिकल शॉक जो उसमें होता है उसके कारण वो क्या होते हैं इवेंचुअली फॉर्म करना पड़ जाता है यानी वो क्या होता है ब्रेक हो जाते हैं ब्रेक होने के बाद मान लीजिए कि ये आपका क्या है आ, इस तरीके से आपका क्या होता है है ना इस तरीके से आपका ये आ, क्या है ये आ, आ, क्या कहते हैं वोचेरिया है वाउचेरिया में ये वाला जो फिलामेंट है इस तरीके से किसी भी तरीके से मैकेनिकल शॉक या एक्सीडेंटली वो ब्रेक हो जाता है तो ये जो फिलामेंट है ना ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि इस तरीके से इस तरीके से ये अलग न्यू फिलामेंट बना लेगा ठीक है हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है देखिए इट इज आउट बाय फॉर्मेशन ऑफ ये कैसे होता है तो जूस फोर के फॉर्मेशन के थ्रू होता है यानी डेटा इज फॉर्न टू रिस्पॉन्स टू अ चेंज ऑफ फिजिकल कंडीशन सच एज लो लाइट इंटेंसिटी अल्टर न्यूट्रंट कंडीशन यानी ये किस समय होता है किस समय इसका फॉर्मेशन होता है जूस फोर का तो यानी ये फिजिकल कंडीशन मतलब जो फिजिकल कंडीशन है उसमें जो चेंज होता है उसी के रिस्पांस में आपको क्या है जूस फोर का फॉर्मेशन मिलेगा तो कौन कौन से फिजिकल कंडीशन है तो आपके लो लाइट हो गए इंटेंसिटी हो गई या फिर अल्टर न्यूट्रिशन कंडीशन है ना इस कारण आपको क्या है आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जूस फोर का फॉर्मेशन होता है देन बात करें टिप्स ऑफ अ वेजिटेटिव फिलामेंट फॉर्म अ कर्ब लाइक क्लब लाइक स्ट्रक्चर नोन है जूस फ्रॉन्जिया आपका जो टिप है ये देखिए वेजिटेटिव सेल ये इस तरीके से मानिए ये जो इसका जो टिप होगा टिप इसमें क्या है इसमें आपको एक तरीके से, -like से क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा एक तरीके से क्लब लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपका जू स्प्रॉन्जिया कहलाता है क्या कहलाता है गाई? जू स्प्रोंजिया कहलाता है दीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन फिलामेंट बाय सेप्टा ये क्या है मेन फिलामेंट से आ, क्या करता है अलग करता है कौन ये जो आपका जूस प्रया है वो मेन से कैसे थ्रू होता है, तो है? तो है।, है? प्रोड्यूस करता, है, पोर करता है, जिसमें क्या है? सारे होते है क्या होते हैं बहुत सारे न्यूक्लाई होते हैं और इनके सभी न्यूक्लाई के पास ए, आ, क्या होते हैं दो अनइक्वल फ्लैगला होते हैं क्या होते हैं टू अनइक्वल फ्लैगला प्रेजेंट होते हैं किसमें तो जूस फोर में क्या जूस फोर में बहुत सारे आपको क्या है फ्लैग ये न्यूक्लाई मिल जाएंगे और न्यूक्लाई जो प्रत्येक और, तो और येलो ग्रीन इन कलर होता है ठीक है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं इसको हम क्या और कह सकते हैं सिंजूसपोर भी कह सकते हैं सिंह जूसपोर भी कह सकते हैं ठीक है सी सिन भी कह सकते हैं ठीक है देर आर मोटाइल एंड हैविंग मैनी uh, फ्लैगला जो आपका सिंजो स्पोर है स्पोर है या फिर जू स्पोर की बात कर रहा हूँ मैं उसमें आपको क्या है बहुत सारे मोटाइल फ्लैगला मिल जाएंगे इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से बहुत सारे आपको छोटे 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 देखने को मिल जाएंगे ठीक है अब देखिए क्या है आफ्टर लिबरेशन देखिए मैं बात कर रहा था यहाँ पे जो दो फ्लगला टू फ्लगला आपको किसके न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा यह जो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस होंगे ना इसके अंदर आपको एक छोटा एक बड़ा फ्लैगला देखने को मिलेगा लेकिन हम बात किसकी कर रहे थे हम आ, जूस पोर की बात कर रहे थे तो इसमें बहुत सारे फ्लैगला देखने को मिलते हैं जब ये क्या होता है लिबरेट करता है क्या है? करता है लिबरेट करता है किससे स्प्रॉन्जिया से तो जूस पोर क्या है फिफ्टीन मिनट तक स्विम करता है क्या करता है फिफ्टीन मिनट तक स्विम करता है और क्या है जैसे ही जाके सबस्ट्रेटम में जाके ये जो चिपकता है एंड वो क्या है जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते क्या करता है जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है वोचेरिया ऑल्सो प्रोड्यूस एपलेनो स्पोर्स वोचेरिया जो है आपका एपलेनो स्पोर भी प्रोड्यूस करता है तो एपलेनो स्पोर क्या होता है आपका तो आपको मालूम होना चाहिए जिसके पास जो कि फ्लैगला को क्या करते हैं डिफ्लेगलेटेड कर दे यानी फ्लैगला अपने से हटा ले तो वैसे स्पोर आपके क्या होते हैं एप्लेनोसपोर यानी जो इसके जो फ्लैगला है ना ये क्या हो जाएंगे डी फ्लैगलेटेड होना स्टार्ट हो जाएंगे यानी इस तरीके से ये अलग होने स्टार्ट हो जाएंगे फ्लैगला इससे हट जाएंगे और फिर या फिर आपको एकनाइट्स भी मिल जाएगा एकेनाइट एज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एप्लेनोसफोर करके भी फॉर्मेशन हो सकता है और एकानाइट्स करके भी इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है कब तो जब आपका अनफेवरेबल कंडीशन होगा जब आपके कंडीशन जब आपके पक्ष में नहीं होगा आपके मतलब कहने का मतलब है एलगी के ठीक है तो एलगी के अगर आ, फेवर में नहीं होगा कंडीशन तो वो क्या कर लेगा एग्नोइ्स या फिर का कर लेगा. ठीक है? और नहीं तो मान लीजिए अटैच होके जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देगा देन हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या है इज ऑफ उमस टाइप ऑफ टाइप एंड मोस्ट ऑफ आर होमोथेलिक एंड होमोन होमोनो सॉरी मोनोसिय देखिए क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उगेमस टाइप आपका उसमें रिपोर्डक्शन देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ स्पीसीज में और मोस्ट ऑफ स्पीसीज जो है आपके किस तरीके के हो सकते हैं होमोथैलिक या फिर मोनोसियस हो सकते हैं यानी जो एक ही प्लांट में सेम बॉडी में प्लांट बॉडी में आपका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों का जेनरेशन हो वो आपका क्या होता है आपका क्या होता है होमोथैलिक कहलाता है या फिर मोनोसियस कहलाता है याद रखेगा बता रखा है वैसे तो बार बार लेकिन मैं बार बार याद दिलाता रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो कि इंसान बार बार पढ़ के भी भूल जाता है लेकिन टेंशन नहीं लीजिए आपका भाई आपको बताएगा देन देखिए क्या है वी डाइक्टोमा वी डाइक्टोमा एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको मोनोसियस आपको मिलेगा ये स्पीसीस किस टाइप का होता है तो मोनोसियस होता है इसमें से कुछ स्पीसीस जो है जैसे कि वी लिटोरिया है वी लिटोरिया जो आपके क्या है हाइड्रोथेलिक कहलाएंगे या फिर डायोसियस ये दोनों एक ही है या फिर डायोसियस यानी ये जो आ, आपके इसके सेक्स ऑर्गन जो है वो अलग अलग प्लांट में आपको देखने को मिलेंगे ठीक है एक प्लांट में नहीं होगा अलग अलग प्लांट बॉडी में होगा देन देखिएगा सेक्स आर ऑन द वेजिटेटिव एंड टू ईच अदर देखिए क्या है सेक्स ऑर्गन कब प्रोड्यूस होते हैं जब वो थैलस होते हैं जो वेजिटेटिव थैलस होते हैं वो क्या है एक तरीके से क्लोज टू ईच अदर एक दूसरे के पास आते हैं तब होता है इसमें एंड में एंड मे बी सेसल इन विसलेस और स्टॉक क्या है और आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेगा जैसे कि क्या होता है सेसलैस होता है और विसलेस में देखने जाके वहां पे रुक जाता है आपको मैं दिखाऊंगा पिक्चर के थ्रू आपको समझाऊंगा देखिए यहाँ पे पिक्चर ही आप देखिए ठीक है ये देखिए ये जैसे कि ये आपका किसका पिक्चर है तो ये आपका वाऊचेरिया कह क्या है वाउचेरिया ठीक है वाउचेरिया का पिक्चर है इसको हम क्लोज करते हैं क्लोज करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको इसका क्या है एपिकल वो देखिएगा आप क्या कहते हैं सबसे ऊपर वाला जो ब्रांच है ब्रांच का जो टिप होता है ना ये टिप ये देखिए टिप है यहीं पे आपका क्या होता है फॉर्मेशन होता है किसका का फॉर्मेशन होता है क्या होता है एंथर्डियम ये जो आप ब्रेकेज से दिख रहे हैं ना ये लाइनिंग सी ये आपका क्या कहलाता है सेप्टा कहलाता है क्या कहलाता है सेप्टा कहलाता है सेप्टा क्या करता है उसको पूरे ब्रांच से एंथेडियम को अलग करने का काम करता है तो देन देखिए क्या है इसके अंदर आपको क्या है आपको आपको इसके अंदर बहुत सारे वो देखने को मिलेंगे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है क्या का फॉर्मेशन होता है देखिए ये क्या है उगोनियम यहाँ दूसरे ब्रांच में आपको क्या है उगोनियम का बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे देखिए इसके अंदर एग है और याद रखिए एंथेडियम आपका क्या होता है मल्टीन्यूक्टेड होता है ये देखिए क्रोमेटोफोर ये देखिए

इस से रिलीज होता हुआ होगा ये आपका क्या है ये जूस है 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 क्या है? क्योंकि इसमें से जूस जो बाहर आ गया है अब ये जो सिन जूस है इसमें आपको बहुत सारे फ्लैगला अटैच दिखेंगे है ना बहुत सारे फ्लैगला और इसके अंदर आपका सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यहाँ देखिए सेंट्रल वैक्यूल जहाँ पे फूड वगैरह क्या कहते हैं रिजर्व रहता है ऑयल के फॉर्म में एंड बात करें न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बहुत सारा क्रोमेटोफोर ये देखिए अब देखिए क्या है ये जो सिंजो है ये क्या है सिंजो क्योंकि हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं देखिए सिंसो जो है आपका इसमें से क्या है डीफ्लेगलेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा ये डीफ्लेगलेटेड हो जाएगा फ्लैगलेटेड कब कब होता है गाइस तो ये एक्सट्रीम कंडीशन या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या है डीफ्लेगलेटेड हो जाएगा यानी ये क्या बना लेगा एपलानो बनाएगा क्या बनाएगा एप्लेनो बनाएगा और ये इस तरीके से एप्लेनोस्पोर होगा सॉरी ये रहा एप्लेनोस्पोर जो कि डीफ्लेगलेटेड जूस पोर होता है ना? अब ये जो जूस पोर है ये क्या है इस तरीके से जूस पोर आपका क्या है ग्रो करेगा ये देखिए ये इस तरीके से आपका होगा और इसके बाद यहां पे से आपको क्या है ट्यूबलर

होते हैं इस तरीके से याद रखिएगा पियर सेप्ड होते हैं स्ट्रक्चर और इसमें आपको मिलेंगे एक छोटा एक बड़ा आपको मिलेगा क्या फ्लेगला जो होता है जिसमें क्या है टेंसेल और वी प्लस फ्लेगला टाइप आपको देखने को मिलता है और ये आपके कलरलेस होते हैं क्या होते हैं ये जो आपके इस होते हैं कलरलेस होते हैं अब बात करेंगे हम ऊगोनियम की ऊगोनियम दैट्स अ फीमेल पार्ट ऑफ एलगी देखिए क्या है इज एज स्फेरिकल स्ट्रक्चर ये क्या होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि डेवलप होता है एज अ स्मॉल एट द बेस ऑफ एंथेडियम आपको एंथेडियम में आपको उसके बेस पे आपको क्या है uh, यहाँ पे क्या है ओगोनियम डेवलप होता हुआ दिखेगा एट द साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम ओगोनियम जहाँ पे डेवलप होता है उस साइड पे आपको क्या है साइटोप्लाज्म कैसा दिखेगा तो डेंस दिखेगा और क्या है मल्टी न्यूक्लियर दिखेगा जो कि आपका क्या कहलाता है वेंडर कहलाता है क्या कहता है मैच्योरिटी आती है उसमें यानी वो व्यस्क एडल्ट होने को आता है तो ओगोनिया मिज़ा क्या हो जाता है बिग स्ट्रक्चर है वन उसमें क्या है बिग टाइप स्ट्रक्चर बनने लगता है चोंच की तरह इस तरीके से स्ट्रक्चर बनने लगता है जो कि क्या होता है बहुत बड़ा होता है राउंड ओवम उसमें क्या होता है राउंड ओवम होते हैं बहुत सारे विच इज रिच इन रिजर्व ऑफ फूड मेटेल जो कि उसके अंदर आपको क्या है बहुत सारे रिजर्व फूड मिल जाएंगे हाँ उसके बाद हम बात करें एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम डी ऑलमोस्ट ऑलमोस्टेसली फॉलोड बाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है एंथ्रीडियम और जो ऊगोनियम होता है वो एक तरीके से धीरे धीरे क्या है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं देन उसके बाद आपको क्या है Zygote, आपको क्या है रेस्ट

वेजिटेटिव uh, इसमें से मान लीजिए कि कोई भी पार्ट अलग होके कट के निकल गया वाउचेरिया का तो वो क्या करेगा एक न्यू फिलामेंट डेवलप कर लेगा वो आपका किस टाइप का कहलाता है तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहलाता है क्या कहलाता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहलाता है यानी वेजिटेटिव सॉरी रिप्रोडक्शन हाँ फर्टिलाइजेशन वेजिटेटिव नहीं होता सॉरी गाइस माफी चाहते गलत बोल दिया देखिए रिप्रोडक्शन होता है। Then, हम बात करें, बी की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या किस तरीके का देखने को मिला इसमें असेक्सुअल मेथड ऑफ असेक्सुअल, असेक्सुअल मेथड आपको देखने को मिला ठीक है जिसके रिप्रोडक्शन जिसमें क्या है कि आपका सिंजोसपोर या फिर जूस पोर रिलीज होके के इसमें डिफ्लैगलेटेड होने के बाद किस तरीके से इसमें ट्यूबलर आउट ग्रो होने के बाद इसमें यंग फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है जो कि एक बाद में जाके एक आ, डेवलप मेच्योर प्लांट बन जाते हैं वाउचेरिया बन जाते हैं अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम सेक्सुअल मेथड को अभी हमने लास्ट में पढ़ा था तो सेक्सुअल मेथड की बात करें तो देखिए इस तरीके से क्या है कि ट्यूब क्या होता है रिलीज होता है क्या होता है या मैं बोलूं ब्रांच रिलीज होता है जो कि आपका ब्रांच कहते हैं जिसे एंथर्डियल जिसमें से क्या है एंथरडियम का फॉर्मेशन होने वाला है देखिए क्या ये एंथर्डियल ब्रांच जो है इस तरीके से एक तरीके से हुक सेप बनाने लगता है क्या बनाने लगता है हुक से और जस्ट इसके नीचे क्या है ओगोनियम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है क्या है गाई? उगोनियम का फॉर्मेशन जो कि फीमेल पार्ट होता है और एंथेडियम मेल पार्ट होता है तो देन देखिए क्या है? इस तरीके से हुक बन जाता है हुक बनने के बाद इसमें क्या होता है सेप्टर सेप्टम्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं यानी सेप्टम बन जाता है और सेप्टम क्या करता है और ये नीचे आपको उगोनियम दिख ही रहा है सेप्टम जाके नहीं नहीं सॉरी एंथेडियम जो है आपका इस तरीके से जाके आ, क्या Oogonium के साथ चिपक जाता है इस तरीके से अटैच मतलब पास आ जाता है देन इसमें क्या है आपको एक बीक सेप देखने को मिलता है कि इसमें उगोनियम में आपको बीक सेप बनाने लगता है ये बीक क्या होता है ब्रेक होकर एक तरीके से पोर बना लेता है आपका एंथ्रोजॉइड क्या होता है एंथेडियम के अंदर आपके बहुत सारे जब सेप्टा बन जाता है तो इसके अंदर क्या है एंथ्रोजोइड का फॉर्मेशन हो जाता है एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम भी कह रहे हैं तो देन क्या है एंथ्रोजॉइड जो है आपका किस तरीके से यहाँ पे ये पोर आपका उगोनियम द्वारा बना एंड ये वाला पोर आपका एंथेडियम द्वारा बना ठीक है इन दोनों के पोर से क्या होंगे आपका जो मोटाइल क्या है आपका एंथ्रोजॉइड है जो कि क्या है इसमें रिलीज होके आपका पोर ये क्या कहते हैं ओगोनियम में चला जाएगा क्या हो जाएगा ओगोनियम चला जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लाइज जो हैं उनके साथ क्या कर जाएगा फ्यूज कर जाएगा क्या कर जाएगा फ्यूज कर जाएगा और फ्यूज होने के बाद यहाँ पे क्या है जायगोट का फॉर्मेशन होगा क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाए तो कुछ तरीके इस, इस तरीके से आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है तो हम बात थे क्या वाँचे, प्लांट की बात करते हैं तो ये एके जूसपोर का फॉर्मेशन करके इसमें क्या है न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है हम बात करें सेक्सुअल रिपोडक्शन की तो सेक्सुअल रिपोडक्शन में आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा अः ये देखिए यहाँ पे एंथेडियम बनेगा क्या है उसके ब्रांच में एंथेडियम का फॉर्मेशन और एक जगह ओगोनियम का फॉर्मेशन होगा दोनों पास आएंगे एंथोजॉइड और ओवम जो है फर्टिलाइज होकर बनाएंगे जो कि आपका डायप्लॉयड सेल होगा डायप्लॉयड सेल बा, बाद में जाके मियोसिस होगा एंड मियोसिस होने के बाद आपका वाउचेरिया वापस से वाउचेरिया प्लांट में बदल जाएगा ठीक है इसी तरीके से अगर हम डायप्लॉयड प्लांट की बात करें वाउचेरिया डायप्लॉयड प्लांट की बात करें जो कि डायप्लॉइड सेल होता है उसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सिमिलरली आपका वैसे ही होता है बात करें हम

सेल uh, में कन्वर्ट हो जाता है इसी तरीके से ओगोनियम जो है आपका करने के बाद बना लेता है अब ये एंथेडियम और ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या वापस से सॉरी डेप्लॉयड सेल डेप्लॉयड सेल बना लेता है और वापस से जब डेप्लॉयड सेल बनाता है तो वो क्या है फिर वाउचेरिया का फॉर्मेशन करता है वाउचेरिया भी आपका डेप्लॉयड होगा तो इन केस ऑफ डेप्लॉइड वाउचेरिया प्लांट जो है होता है आपका उसमें आपको क्या है ये एंथेडियम और उगोनियम आपको क्या है डायप्लॉइड ही डायप्लॉयड ही आपको देखने को मिलेंगे ठीक है और याद रखिएगा इसमें जो जायोट है जाएगोट का फॉर्मेशन से नहीं डायरेक्ट आपका प्लांट बन जाएगा पे थीके? अब हम बात करेंगे फ्यूकस की क्या है नेक्स्ट हमारा स्पीसीज है स्पीसे है फ्यूकस ठीक है तो हम फ्यूकस की बात करें तो ये भी डिवीजन हेट्रोकॉन्टो फाइटा को बिलोंग करता है अगर हम क्लास की बात करें तो फायोफिसिया है एंड फैमिली की बात करें सॉरी ऑर्डर की बात करें तो फ्यूकल है क्या है

तो देखिए क्या है इसमें जो असेक्सुअल प्रोडक्शन है वो क्या है ये परफॉर्म नहीं करता क्या फ्यूकस जो है आपका अलोडक्शन परफॉर्म नहीं करता यानी जो जो आपके जू स्पोर्स बनते हैं स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा है ना इसलिए क्या है इसका जो लाइफ साइकिल क्या है आपको डायप्लॉन्टिक देखने को मिलेगा क्या है डायप्लॉन्टिक देखिए क्या है फ्यूकस की बात कर रहे हैं हम तो फ्यूकस एक एक्वेटिक जीनस होता है क्या है एक्वेटिक जीनस जिसमें आपको क्या है थैली जो होगा आपका वो क्या है कहाँ मिलेंगे आपको सी शोर्स यानी जो कोस्टल एरियाज हैं या मैं बोलो समुद्र के किनारे हैं उनके उन पे आपको रॉक के ऊपर अटैच देखने को मिलेंगे ये क्या होते हैं स्लिपरी होते हैं क्या होते हैं स्लिपरी जब भी हम सी बीच वगैरह पे जाते हैं वहां पे जो पत्थर होते हैं बहुत ज्यादा स्लिपरी होते हैं जिसपे हम बैठ भी नहीं सकते ऐसा होता है उनका टच ही बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है देखिए क्या है दे हैव अ लॉट ऑफ म्यूसलेज क्योंकि उनके सरफेस पे क्या होता है बहुत सारा म्यूसलेज होता है जिस कारण वो स्लिपरी होते हैं ठीक है या मैं बोलूँ वो स्लिपरी इसलिए होते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा म्यूसलेज होता है देन बात करें थैलस जो है उनको डिफ्रेंशिएट किस तरीके से किया जाता है तो उसका जो एक हो गया बेसल होल्ड फास्ट और उसके बाद ऊपर में स्मॉल स्टिप एंड द मेन ब्रांच आर द फ्रंट ठीक है तो देखिए इसको तीन तीन पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है थैलस जो आपका क्या होता है um, थैलस को मतलब डिशिएट किया गया उसका एक होल्ड फास्ट हो गया बेसल होल्ड फास्ट और उसके बाद स्मॉल स्टिप और उसके बाद मेन ब्रांच में उसको डिफ्रेंशिएट किया गया मेन ब्रांच को हम फ्रॉट भी कहते हैं यानी एक जस्ट लाइक अ ब्लेड स्ट्रक्चर ब्लेड की तरह होता है ना पत्थियों जैसे लिप्स में दिखता है आपको क्या है लिप्स में दिखता है उसी तरीके से ये देखिए तो बात यह है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है रिबन लाइक -like स्ट्रक्चर होता है क्या होता है रिबन लाइक -like, है ना इस तरीके से रिबन लाइक -like स्ट्रक्चर होता है रिबन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा तो देखिए और क्या होते हैं बहुत पतले भी होते हैं क्या होता है बहुत पतला होता है फॉग्ड एट द टिप ऑफ द प्रोमिनेंट मिड रिब और आपको यहाँ पे क्या है टिप के ऊपर क्या है प्रोमिनेंट मिड रिब से जुड़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा देखिए उसके बाद क्या इट इज पेरेंट क्या है पेरेंट

जो है बहुत सारा पाया जाता है देर आर सेवरल एयर ब्लैडर और इसमें बहुत सारे एयर ब्लैडर देखने को मिलेंगे That have swollen vesicles filled with और जो इसमें जो वेसिकल्स जो हैं, ये जो वेजिकल्स हैं, ये देखिए आपको ये एयर वेसिकल्स जो देखने को मिला है वो फूले हुए होते हैं किसके कारण तो वो एयर जो इसमें इसमें क्या है एयर फिल हो जाता है जिसके कारण आपको फूले हुए दिखते हैं अब ये देखिए क्या है इसके जो ब्रांच क्या होते हैं फर्टाइल ब्रांचेस जो कि क्या करते हैं जो फर्टाइल ब्रांचेस होते हैं वो क्या बियर करते हैं तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बियर करते हैं जो कि आपका क्या कहलाता है कहलाता है क्या कहलाता है कहलाता है जो कि क्या करते हैं बाद में सेक्स ऑर्गन को आ, क्या करते हैं बियर करते हैं देखिए ध्यान से सुनिए इसका जो फर्टाइल ब्रांच होता है वो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बियर करता है जो कि आपका रिसेप्टेक कहलाता है देन उसके बाद करें रिसेप्टिकल्स बाद में बियर क्या करता है सेक्स ऑर्गन जो कि क्या होता है स्पेशल कैविटीज होता है जो कि हम कौन उसमें जो मतलब रिसेप्टिकल्स uh, के अंदर जो क्या होता है स्पेशल कैविटीज होते हैं जिसे हम कॉन्सेप्ट concept, कॉन्सेप्टिकल्स कहते हैं उसी के अंदर आपको क्या है रिसेप्टिकल्स का फॉर्मेशन होने को देखने को मिलता है ठीक है क्या होते हैं वो सेक्स ऑर्गन होते हैं अब हम बात करें एनाटॉमिकली फ्यूकस थैलस जो है सो so क्या करता है हायर लेवल ऑफ डिफ्रेंशिएशन यानी इसमें बहुत ही ज्यादा आपको डिफ्रेंशिएशन करने को मिलता है या देखने को मिलता है जैसे कि आपको इसमें थ्री जोन में डिवाइड किया गया है क्या है इसके डिफ्रेंशिएशन को थ्री जोन में डिवाइड किया गया है पहला आपका क्या है मेरिस्टोडम या फिर पैलिस है पैलिस क्या है मेरिस्टोडम या फिर पैलिस दूसरा आपका क्या है कॉटेक्स है तीसरा आपका मेडुला है याद रखिएगा ये तीनों डिफरेंशिय डिफ्रेंशिएटेड लेयर्स हैं या फिर जोन है लेयर नहीं जोन है वो आप इनको याद रखिएगा क्या है आपका एपिकल पार्ट होगा वहीं पे इसका फॉर्मेशन होगा ठीक है कॉन्सेप्टल ठीक है क्या होते हैं कॉन्सेप्टिकल्स तो कॉन्सेप्टिकल्स होते हैं आपके स्पेशल कैविटीज होते हैं जिसके अंदर रिसेप्टिकल्स होते हैं रिसेप्टिकल्स तो और रिसेप्टिकल्स का फॉर्मेशन किससे होता है तो वो जो रिप्रोडक्टिव ब्रांच होता है फर्टाइल ब्रांच होता है जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाता है बनाता है वही आपका क्या होता है रिसेप्टिकल्स होता है देन देखिए क्या है ये आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा ये तीन स्ट्रक्चर दिख जाएगा इसी के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर बनता है किसका फ्यूकस का इसका जो थैलस का स्ट्रक्चर कैसा है जो पैरा लेयर होगा वो आपका क्या है मेरिस्टोडम का लेयर मिलेगा देन उसके बाद कॉटेक्स का फिर उसके बाद बीच में आपका सबसे मेडुला आता है फिर मेडुला के बाद वापस से कॉटेक्स फिर उसके बाद आपका मेरिस्टोडम ये देखिए आपका ऑर्गन अटैचमेंट ऑर्गन जिसको हम रिजो, आ, क्या कहते हैं रिजोर्ट भी कह रहे हैं उसके बाद देखिए स्टिप या होल्ड फास्ट भी कह सकते हैं ये स्टिप है इसके नीचे होल्ड फास्ट है। तो ये पूरी मॉर्फोलॉजी थी और इसमें हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए पोर्शन ऑफ फ्यूकस का भी दिखाया अब हम बात करें मेरिस्टोडाम की बात करें तो इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द थैलस ये क्या है आउटर मोस्ट लेयर होता है और इसके जो लेयर होते हैं आपके क्या होते हैं सिंगल सेल से बने होते हैं क्या होते हैं सिंगल सेल के बने होते हैं जिसके अंदर आपको क्या है क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा मतलब जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है इट हैज अ लेयर ऑफ सिंगल सेल हैव क्लोरोप्लास्ट जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है कवर किससे होता है तो म्यूसलेस से कवर होता है और अगर हम बात करें ये क्या है स्लिमी टच जिसके कारण जो है म्यूसलेस से जो कवर होता है जो कि क्या है स्लीमी टच गिव करता है बात हम करें कॉर्टेक्स की तो ये क्या है थिन वॉल से बना होता है पेरनका होता है अ, सेल से बना होता है एंड क्या है ये यूज किस तरीके से होता है तो यानी जो रिजर्व फूड होता है है ना उसको करने का काम करता है। हम बात करें मेडुला की तो देखिए क्या देखिएटेड सेल मेडुला जो है आपका वो किससे बना होता है तो ये सेंट्रल पार्ट होता है और वो नैरोलोंगेटेड सेल से बना होता है जो कि पतले एकदम इस तरीके से थी धागे की तरह होते हैं उस तरीके से बना होता है देन फ्यूकस की बात करें इसके अंदर क्या है ग्रोथ टेक प्लेस होता है बाय एपिकल द टिप ऑफ साइडेड यानी क्या है जो उसके फोर साइडेड होते हैं जिसमें ब्रांच ग्रो होता है उसमें क्या है आपको मतलब चारों तरफ आपको क्या है? इस एपिकल इस सेल के हेल्प से ही आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा टिप जो है ब्रांच का टिप वो क्या है ब्यूरिफिकेटेड है यानी

मिल जाएगा फ्यूकस में रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल भी आपको देखने को मिल जाएगा तीनों फॉर्म के आपको देखिए और क्या है असेक्सुअल आपका स्पोर फॉर्मेशन की तरह सॉरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन इज एबसेंट यानी स्पोर फॉर्मेशन इसमें इसमेंट होता है सॉरी इसमें वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड होता है असेक्सुअल मेथड जो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है वो इसमें नहीं होता है अपसेंट होता है हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तो देखिए ये क्या है ये किस तरीके से प्लेस लेता है तो फ्रेगमेंटेशन के कारण होता है यानी कि कभी भी कोई क्या है फ्रेगमेंट है या फिलामेंट है वो क्या हो जाए ब्रेक कर जाए है क्या हो एक्सीडेंटली या किसी भी प्रकार से ब्रेक कर जाए और उसका ब्रांच जो है जर्मिनेट कर जाए न्यू थैलस में वो आपका क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा सब में आपको सिमिलरली आपको देखने को मिल रहा है जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात है तो उस का जो भी है फ्रेगमेंट या फिर फिलामेंट ब्रोक कर जाता है देन उसमें न्यू थैलस प्रोड्यूस हो जाता है वो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कैसा होता है उगैमस टाइप होता है कैसा होता है उमस टाइप होता है जिसमें कि सेक्स ऑर्गन क्या होता है प्रोड्यूस बाय स्पेश ब्रांचेज यानी कुछ स्पेशलाइज ब्रांचेज होते हैं स्पेशल ब्रांच जैसे कि आपका रिसेप्टेकल्स है उसमें आपको क्या है उसी के सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है देखिए क्या है ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जो आपका इसके अंदर कहलाता है रिसेप्टिकल्स जो आपका किस में होता है तो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जो कॉन्सेप्टिकल्स होता है उसके अंदर आपको रिसेप्टिकल्स देखने को मिलेगा जो कि बियर क्या करता है तो सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड उग्निया क्या क्या एंथ्रीडिया एंड उग्निया यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्टिकल्स जो क्या है ओवल स्ट्रक्चर में होते हैं क्या होते हैं ओवल स्ट्रक्चर में होता है तो देखिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं आपको देन आगे हम बात करेंगे ये देखिए क्या है ये आपको ये कॉन्सेप्टिकल्स है ये है कॉन्सेप्टिकल्स जो कि आपको किस में ये इस तरीके का जो प्लांट होता है आपका क्या है इस तरीके का फ्यूकस प्लांट जो होता है आपका इस तरीके से इसमें आपको फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा जो कि आपका क्या होता है ये देखिए देन उसके बाद आपका क्या होता है ये कॉन्सेप्टिकल्स इस तरीके से होता है कॉन्सेप्टिकल्स आपका दो टाइप का होता है एक मेल कॉन्सेप्टिकल्स होता है एक फीमेल कॉन्सेप्टिकल्स होता है ठीक है मेल कॉन्सेप्टिकल्स में आपको क्या है यहाँ पे यहाँ ओपनिंग एंथेडिया दिख रहा है यहाँ से क्या है एंथ्रोजॉइड्स वगैरह रिलीज होते हैं अब बात करें यहाँ फीमेल कॉन्सेप्टिकल्स की बात करें तो ये देखिए ये उगोने का स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको पैराफाइसिस दिख रखा है और ये देखिए यहाँ पे ओपनिंग है ठीक है तो इस तरीके से इसके अंदर से क्या है आपको एंथेडिया रिलीज करता है रिलीज करता है जिसमें आपको ये हेयर लाइक -like स्ट्रक्चर दिख जाएंगे और हेयर के ऊपर आपको यहाँ पे क्या है फिलामेंट टाइप दिखेगा ये आपका क्या है एंथर्डियम क्या है एंथेडियम है ये आपका जो कि बाद में एंथरजॉयड रिलीज करेगा इसी तरीके से यहाँ पे फीमेल कॉन्सेप्टिकल्स में देखें यहाँ पे आपको साइड साइड यहाँ पे सपोर्टिंग साइड देखिए पैराफाइसिस होता है एंड बीच में जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है ओगोनियम है है ठीक बात करें हम ये ओगोनियम जो है ये बाद में डिवाइड हो जाते हैं एट एग में यानी एट ओवा में ये डिवाइड हो जाते हैं इस तरीके से ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर जैसे बना रखा है ये क्या है ओगोनियम एट एग में डिवाइड हो जाते हैं देन ये क्या होते हैं लिबरेट होते हैं रिलीज होते हैं इस तरीके से लिबरेट यानी अलग हो जाते हैं ये ओवा एंड उसके बाद ये क्या है ये बहुत सारे ओवा में डिवाइड हो जाते हैं ये जो ओवम है क्या है बहुत सारे ओवा में डिवाइड हो जाते हैं ये स्टॉकड होता है इस तरीके से स्टॉक हो जाता है एंड देन यहाँ पे हम फिर से बात करें मेल कॉन्सेप्टिकल्स की बात करें तो मेल कॉन्सेप्टिकल्स में आपका क्या है इस तरीके से यहाँ पे ब्रश्ट करके एंड एंथ्रोजॉइड रिलीज हो जाता है देखिए ये एंथेडियम इस तरीके से रिलीज हो जाता है ये एंथ्रोजॉइड है और ये जाके क्या है एक तरीके से ओवम uh, है ये इसको क्या है सराउंडेडली यानी घेर लेते हैं इस तरीके से एंड देन बाद में फर्टिलाइज होके जयगोड का फॉर्मेशन करता है zygote बाद में जर्मिनेट होके देन इसमें देखिए रिजॉइड स्ट्रक्चर रूट लाइक स्ट्रक्चर है ये देखिए क्या ये क्या है आपका जाके सबस्ट्रेटम में अटैच होके जर्मिनेशन स्टार्ट होने के बाद इस तरीके से आपका आ, ये क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है यानी फ्यूकस का फॉर्मेशन हो जाता है देन इसी तरीके से प्रोसेस पूरा का पूरा चलता है ठीक है याद रखिएगा यहाँ पे सारा जो फॉर्मेशन है ये क्या है डायप्लॉइड है ये क्या है आपका आपका स्पोरोफाइट कैसा है डायप्लॉयड होता है सेल अगर हम कॉन्सेप्टिकल्स की बात करें तो वो भी डायप्लॉयड होता है बात करें हम एंथडियम ये देखिए ओवा एंड एग ये है ये आपका क्या होता है आ, होता है। बाक सिर्फ आपका जो गैमेटिक स्ट्रक्चर होता है वही आपका होता है बाकी सारा जाय से लेके आपका आ, क्या कहते हैं स्पीसीज तक आपका डायप्लॉइड होता है देखिए ये इस तरीके से डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन किया गया लाइफ साइकिल तो इसको भी आप याद रखते हैं ये देखिए स्पोरोफाइट आपका प्लांट ये देखिए फ्यूकस है आपका ये क्या होता है स्पोरोफाइटिक प्लांट प्लांट भी आपका क्या है स्पोरोफाइटिक इसमें रिसेप्टिकल्स बनते हैं जो कि मेल एंड फीमेल सॉरी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्टिकल होते हैं जो कि क्या है मेल कॉन्सेप्टिकल एंथीडिया प्रोड्यूस करता है एंड फीमेल कॉन्सेप्टिकल ओगोनिया रिप्रोड्यूस करता है एंथेडिया आपका एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करता है जो कि आपका क्या है हैप्लाइड होता है यहाँ देखिए ये यह पूरा का पूरा ये जो छोटा सा फेस यहाँ पे हैप्लाइड होता है बाकी आप पूरा देखिए तो डेप्लॉयड फेस देखने को मिलता है फिर उसके बाद म्यूसिस के थ्रू म्योसिस होता है बाद में एंथेडिया और म्योसिस होने के बाद एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस होता है देन ओवम ओवम और एंथ्रोजॉयड फ्यूज करते हैं देन उसके बाद फर्टिलाइजर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन जायगोट के बाद एम्ब्रियो है आपका जायगोट है आपका ये कैसा होता है डेप्लॉयड फेस में होते हैं और ये एम्ब्रोय बाद में जाके वापस से फ्यूकस में कन्वर्ट हो जाता है देन देखिए क्या है हम बात कर रहे थे हाँ इसमें जो आपको क्या है हैविंग अ पोर आउटसाइड आपको क्या है पोर देखने को मिलेगा कि इसमें कॉन्सेप्टिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है आपको पोर देखने को मिलेगा जिसको हम ऑस्टियल भी कहते हैं क्या कहते हैं ऑस्टियोल भी कहते हैं द कैविटी ऑफ कॉन्सेप्टिकल हैज अ लीनिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ क्या है स्टेराइल सेल्स कॉल्ड अ फर्टाइल सीट क्या है? इसमें स्टेराइल सेल्स देखने को मिलेंगे जो कि क्या फर्टाइल सीड कहलाते हैं गिव अ राइज ऑफ अ लॉन्ग टू हेयर लाइक ब्रांचेज एंड अनब्रांच फिल्मेंट कॉल पैराफाइसिस है इसमें जो ब्रांच है हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए ये देखिए ये हेयर लाइक -like करके स्ट्रक्चर है ना तो इस तरीके से इसमें आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि क्या है ब्रांच भी होते हैं और अनब्रांच भी होते हैं मतलब बियर है? करता है देन uh, uh, देखिए क्या है इन बिटवीन थ्री स्टेराइल देर आर स्टेराइल हेयर जो कि उसके अगल बगल आपको क्या देखने को मिलता है जो कि इमर्ज होते कैसे अपर पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्टिकल क्या है जो कॉन्सेप्टिकल के जो अपर पार्ट है उसकी तरह वो डेवलप uh, होते हैं जिसको हम पैरिफाइसिस भी कहते हैं फ्यूकस थेलस में भी मोनोसियस एज वेल एज डायोसियस आपका क्या है फ्यूकस थैलस आपका क्या है मोनोसियस भी देखने को मिलेगा और डायोसियस भी देखने को मिलेगा एंथ्रिया जाके स्टॉक्ड हो जाता है स्टॉक्ड यूनिसेलर ओवल स्ट्रक्चर क्या है एंथीडिया आपका स्टॉक्ड यूनिसेलर ओवल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा बॉर्न एन पैराफाइसिस जो आपका पैराफाइसिस का फॉर्मेशन होता है उसमें आपको क्या है उसमें आपका एंथडिया का फॉर्मेशन होता है uh, देखिए क्या है मैच्योर ऑरेंज इन कलर मैच्योर आपका जो होता है, उसको है? में दिखता है और इसका जो वॉल होता है, क्या है? और state, जो है आपका इस तरीके से उसको नेमिंग दी जाती है ठीक है ये वाला जो है वॉल बाहर वाला आउटर इन अंदर वाला इनर है फिर बात करें हम द एंथेडियल मदर सेल की बात करें जो प्रोड्यूस स्पर्म क्या है एंथेडियल मदर सेल जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है तो स्पम्प के थ्रू प्रोड्यूस होता है क्या है एक तरीके से टाइनी पियर सेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि क्या होता है बायफ्लेगलेटेड होता है इसमें टू लेटर फ्लैगला भी देखने को मिल जाएगा यानी दोनों के साइज जो है आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे हम बात करें ऊ की तो उनियम क्या होता है स्टॉक्ड लार्ज वन सेल्ड और आपको क्या है ओवल सेप्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है जो 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 है, है, है। है? है है। है? कि क्या क्या क्या? क्या करता 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 कर और egg क्या है? वापस जो release है, और वापस होते हैं, वो क्या है जो कि स्पर्म और एग ब्लैडर कहलाता है जहां पे अलग अलग जगह पे फॉर्मेशन होता है ना इसका तो देखिए क्या है फर्टिलाइजेशन जो फ्यूकस होता है वो कहाँ पे है सी में ओपन सी में क्या कहते हैं फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन होता है जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं externally वो होता है, होता है Then, है 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 देखिए क्या क्या के कारण ही sperm का attraction हो पाता एक्स से बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन की यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायगोट फॉर्म क्या कर लेता है थिक वॉल अपने आसपास फॉर्म फॉर्मेशन कर लेता है खुद से ही और इवेंचुअली रेस्ट ऑन अ अटेबल मीडियम और क्या है सुटेबल मीडियम में जाके रेस्ट में चला जाता है और क्या होता है जब जर्मिनेट करता है तो एक न्यू न्यूलस का फॉर्मेशन करता है और वो क्या है एक तरीके से शो करता है अन एग मतलब जो उसमें से जो अन एग जो शो करते हैं वो डेवलप हो, हो, है, है. है? हो जाता है किसमें जर्मलिंग्स में डेवलप हो जाता है जो कि पैरथेनोजेनिकली होते हैं पैरथेनोजेनिकली यानी उसमें क्या है विदाउट फर्टिलाइजेशन जब कोई एग फर्टिलाइज हो जाता है फर्टिलाइज नहीं एक तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है जर्मिनेशन हो जाता है

तो राइजोडियल आउट ग्रोथ उसमें से बाहर निकलता है है ना जो रूट लाइक या होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें से साइड से बाहर निकलता है और ये डिवाइड कैसे होता है तो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है जिसमें लोअर बेसल और अपर एपेकल जो सेल है वही आपका न्यू फ्र में डेवलप होता है यानी न्यू ब्रांच में अब, अब लास्ट वाला जो टॉपिक है हमारा फॉलिस्फोर्निया है फॉलिस्फोर्निया की बात करें तो फॉलिस्फोर्निया का डिवीजन आपका रोडोफाइटा क्या है डिवीजन आपको रोडोफाइटा मिल जाएगा क्लास की बात करें तो रोडोफाइसिया हो गया आपका सब क्लास की बात करें तो फ्लोरेडिया हो गया एंड ऑर्डर की बात करें तो सैरमियलिस हो गया एंड फैमिली की बात करें तो रोडो मेलेसिया हो गया एंड जीनस की बात करें तो फॉलिसफोनिया हो गया ठीक है तो ये फॉलिसफोनिया आपका जो स्पीसीज है इसकी बात करें हैबिट की सबसे पहले हैबिट की ही बात करते हैं तो ये आपका इसका हैबिट कैसा मिल जाएगा तो ब्राउनिश रेड फिलामेंटो की होता है क्या होता है रेड इसका फिलामेंट एलगी आपको देखने को मिलेगा ये जो एलगी है इसका जो थेलस है वो क्या कंसिस्ट करता है तो बेसल बेसल सिस्टम सिस्टम कंसिस्ट करता है कैसा जो कि इरेक्ट फिलामेंट फिलमेंटो सिस्टम होता होता है है क्या इरेक्ट सिस्टम यानी जो खड़े खड़े से फिलामेंट दिख रखे हैं इस तरीके से इनका सिस्टम होता है फिलाेंट जो आपके कैसे होते हैं काफी ब्रांच होते हैं जो कि एक तरीके से उन्हें टफ्टी या फैदरी अपेन्स देते हैं यानी टफ्टी या फैदरी यानी फैदर जो होता है पंख की तरह वैसा वे दिखते हैं अगर हम बात करें प्लांट बॉडी की जो कि अटैच होते हैं किससे सबस्ट्रेटम से जाके अटैच होते हैं उसमें क्या होता है 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 बेसल होल्ड फास्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि सर्व सर्व कैसे करता करता की तरह यानी एज अ सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, कर है मेन प्लांट बॉडी को ठीक है अब देखिए क्या है मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे हम मॉर्फोलॉजी में क्या है आपको मेन फिलामेंट जो है वो दो टाइप के उसमें आपको लेटरल ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे पहला आपका क्या है ऑर्डिनरी ब्रांचेस दूसरा आपका

देता है ठीक है दो तरह के ब्रांचेज लेटल ब्रांचेज आपको देखने को मिल में एक होता है लॉन्ग और एक होता है शॉर्ट तो शॉर्ट ब्रांचेज जो आपका कलरलेस ब्रांचेज होता है उसको हम क्या कहते हैं जिसके जो कि लिमिटेड कर देता है ग्रोथ को लिमिट कर देता है यही आपका क्या कहलाता है? है।, क्या है ट्राइको ब्लास्ट कहलाता है क्या कहलाता है ट्राइको ब्लास्ट कहलाता है अब बात करें जीनस की तो जीनस क्या शो करता है तो टिपिकल फॉलिस्फोनियस पॉलिसफोनस ग्रोथ वेयर फ्रॉम वेयर इन

डॉम सेट पॉलिप्लॉइड एपिकल सेल ऑफ़ फिलामेंट सेल यानी जो फिलामेंट का जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है एपिकल पार्ट होता है ना वहीं पे आपको क्या है आपको ग्रोथ देखने को मिलता है वहीं से क्या होता है ग्रोथ करता है जैसे कि प्लांट में भी हमने पढ़ा होगा एपिकल मरिस्टमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा है तो एपिकल जो होता है आपका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है जो कि कंटिन्यूसली ग्रो करता है तो वही आपको इसमें भी इसी तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हम बात करें डिवीजन इन द एपिकल सेल तो एपिकल सेल में किस तरह का डिवीजन होता है जो कि डाउटर सेल होता है वो rise क्या करता करता है lateral branch को rise है को मतलब uh, cell, cell produce, cell. Cell ही आपका cell है जो कि लेटर सेल के पास राइज होता है देन बात करें ये जो ब्रांचेज है कहाँ लॉन्गिट्यूडनल डिविजन में जब चले जाते हैं तो ये सेंट्रल और पेरिसेंट्रल सेल फॉर्म करते है. क्या करते सेंट्रल और पेरिसेंट्रल Uh, क्या कहते हैं ब्रांचेस को सॉरी सेल्स को फॉर्म करते हैं हम बात करें सेंट्रल और सेल्स की तो कनेक्ट करते हैं ईच अदर बाय पीट पीट कनेक्शन कनेक्शन क्या क्या है की तरह वो क्या करते हैं एक तरह एक दूसरे को जोड़ते हैं देन बात करें रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कैसा है टाइप में लेके इसमें क्या है फॉलिस्फोर्निया जो है रिप्रेजेंट करता है थ्री डिफरेंट मॉर्फोलॉजिक फॉर्म ऑफ लाइफ साइकिल यानी तीन तरह के लाइफ साइकिल को uh, क्या करता है फॉर्मेशन को इसमें दिखाता है यानी पहला आपका गैमेटो मिलता है दूसरा आपका कैर्पो कैरपोस्पोरोट मिलता है और तीसरा आपका टेट्रास्पोरोफाइट मिलता है सबसे पहले हम गैमेटो की बात करेंगे तो गैमेटो आपका क्या है ये एक तरीके का हैप्लॉयड प्लांट में आपको क्या है हैप्लॉयड प्लांट में मिलेगा जो कि प्रोड्यूस करता है मेल और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है इन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है क्या करता है हैप्लॉयड प्लांट मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन द्वारा होता है अगर तो वो क्या होते हैं सेक्स ऑर्गन स्पर्मेन क्या है इसका स्पर्म स्पर्मेंटेंजिया एंड कैरपोगोनिया जो है आपके क्या है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ठीक है सेक्स ऑर्गन आपका मेल में आपको स्पर्म स्पर्मजेंटिया मिल जाएगा क्या है स्पर्मेंटेंजिया एंड कैरपोगोनिया आपको क्या है फीमेल सेक्स ऑर्गन मिल जाएगा हम बात करें फॉलिस्फोनिया की तो वो क्या है डायोसियस होता है यानी मेल पार्ट अलग प्लांट में होगा एंड फीमेल पार्ट अलग प्लांट में होगा डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में आपको ग्रो होते हुए दिख जाएंगे हम बात करें थैली की जो मॉर्फोलॉजिकली क्या है डिफरेंट शेटेड यानी अलग अलग होते हैं हम स्परमिया स्पर, की बात करें वो कहां पे बॉर्न होते हैं तो मेल ट्राइकोब्लास्ट में बॉर्न होते हैं स्पर्मेटेजिया आपका कहाँ बॉर्न होता है तो मेल ट्राइकोब्लास्ट में आपका फॉर्मेशन होता है इसका जो कि क्या होते हैं स्फेरिकल होते हैं इलांगेटेड होते हैं शेप में स्फेरिकल और इलांगेटेड होते हैं शेप में और एक तरीके से स्... सिंगल मेल सेल फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं स्पर्मेटियम क्या कहते हैं क्या कहते हैं स्पर्मेटियम कहते हैं मेल गैमेट जो आपका क्या है स्पर्मेटिया कहलाता है क्या कहलाता है स्पर्मेटिया मेल गैमेट आपका क्या कहलाता है स्पर्मेटिया जो कि क्या होता है कलरलेस होता है यूनिसेलर होता है स्पेरिकल भी होता है और नॉन मोटाइल भी होता है याद रखिएगा कलरलेस यूनिसेलर स्फेरिकल एंड नॉन मोटाइल यानी मूवमेंट नहीं करता है हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ये क्या है कैर्पोगियम क्या है कैर्पोगियम ये क्या है फ्लाश शेप्ड होता है कैसा होता है स्ट्रक्चर इसका फ्लाश शेप होता है स्ट्रक्चर जो कि आपका कैर्पोगल ब्रांच में इसका बॉर्न होता है ठीक है हम बात करें कैर्पोगल ब्रांच की तो ये एक तरीके से इसमें टू सपोर्टिंग सेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे पहला इसका बेस और दूसरा आपका स्टेराइल फिलामेंट ठीक है दो तरह के आपको सेल देखने को आ, मिल जाएंगे हम बात करें वन बेसल एंड द अदर लेटरल और एक आपका क्या है बेसल होता है और दूसरा आपका क्या होता है लेटरल होता है देखिए देखिये जो है हैज अ बेसल स्वेलन रीजन उसके पास क्या है जो नीचे वाला जो पार्ट होता है बेसल पार्ट होता है वो क्या होता है स्वेलोन रीजन होता है क्या होता है रीजन The egg cell, जो आ, एग कि एक तरीके से को क्या है? House give करता करता है 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 ना घर प्रदान बाद बात, बात करें कैसा होता है उसका कैरपोग्नियम का नैरो होता है बहुत ही पतला होता है और इलोंगेटेड होता है किसमें ट्राइको ट्राइकोगिन जो आपका इलांगेटेड होता है सॉरी कैरपोगोनियम का जो पतला इलांगेटेड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं ट्राइको गैन, गैन भी कहते हैं क्या कहते हैं ट्राइको भी कहते हैं स्पर्में, स्पर्मेंट स्पर्मेटिया जो है मूव करता है से और कहा पहुंच जाता है बेस ऑफ दाइको गाइन क्या है बेस ऑफ दाइको गई गाई और गाइन अलग अलग है देखिए क्या है वेयर दे फ्यूज द विद एग सेल एंड द एंड टू फॉर्म डायप्लॉयड क्या है ये दोनों आपस में यहाँ पे क्या करते हैं फ्यूज करते हैं और क्या करते हैं डायप्लॉयडोड का फॉर्मेशन करते हैं करता है मैच्योर कैर्पोस्पोरोलाता है? है क्या कहलाता है सिस्टोकार्प जो की स्टॉक डोबल स्ट्रक्चर होता है और क्या है कंटेन गोनिमो ब्लास्ट

ट्रिकोब्लास्ट हो गया यहाँ पे इस तरीके से स्पर्मेंटेंजियम का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे आपको इस सेल का स्पर्मेंटेंजियम सेल का एक्सल सेल मॉर्फोलॉजी आपको मिल जाएगा फिर स्पर्मेंटेंजियम मिल जाएगा यहाँ पे इस तरीके से तो देखिए क्या है नीचे पिक्चर में और दिखाते हैं हम तो बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कैरपोगोनियम की देखिए किस तरीके से होता है तो ये देखिए कैरपोगोनियम आपका फीमेल होता है फीमेल पार्ट देखिए ये क्या है फीमेल ट्रिकोब्लास्ट क्या है फीमेल ट्रिकोब्लास्ट है ये जो कि क्या है यहाँ पे आपको सपोर्टिंग सेल मिल जाएगा ये सारे क्या है ये ये आपके सपोर्टिंग सेल यानी जो यहाँ पे जो ये एपिकल सेल यहाँ पे साइड साइड जो फीमेल ट्रिकोब्लास्ट सेल है इसके साइड में आपको सपोर्टिंग सेल होता हुआ दिख जाएगा और ये जो सपोर्टिंग सेल होता है जो फिलाेंट है इस तरीके से स्ट्रक्चर देखिए जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है सिंग की तरह तो ये देखिए क्या है इस तरीके से फॉर्मेशन होता है फिर ये जो है कैरपोगोनियल फिलामेंट है इस तरीके से ये बड़ा सा हो जाता है और इसमें यहाँ पे आपको सपोर्टिंग सेल्स इसके पीछे पीछे सपोर्टिंग सेल्स देखने को मिल जाएंगे ये क्या है कैरपोगनियम ये एक सेल है और इसके पीछे सपोर्टिंग सेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे देन देखिए क्या है बैसल स्टेराइल इनिशियल यहाँ पे क्या है बैसल्स क्या है ये शुरुआत में क्या होते हैं क्या है स्टेराइल होते हैं यानी एक तरीके से उनमें कोई किसी प्रकार का फ्यूजन नहीं होता है यानी रिप्रोडक्शन नहीं होता है देन बात करें सपोर्टिंग सेल्स आपको यहाँ पे आगे पीछे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कैरपोगानियम ये देखने को मिल गया ये कैर्पोगियम क्या है ये लंबा सा नैरो नेरोक मैंने बताया था ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर बनाता है जिसको ट्राइकोगेन कहते कहते हैं ट्राइकोगेन आइए इसके साइड साइड पेरी आपको दिख ही रहा है लेटरल फिलामेंट यहाँ पे बहुत सारे फिलामेंट है लेटरल स्टेराइल फिलामेंट है और ये अग्जलरी सेल आपको दिख ही रहा है ये पेरिकार्प ये सपोर्टिंग सेल्स हैं ये सारे तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ठीक है पेरी के अंदर आपके को क्या होता है कैर्पोगियम होता है कैर्पोगियम आपका नेरोक स्ट्रक्चर बनाता है ट्यूबलाइक अब देखिए क्या है ये पेरीगार्प हो गया इसमें आपको क्या है गोनिमो ब्लास्ट आपको मिल गया बहुत सारे फिर इसमें क्या है डी जेनरेटिंग फिलामेंट ये क्या है जो है वो फिलामेंट क्या डी जेनरेट होता है और यहाँ सेल भी आपको है। देखना है है सपोर्टिंग सेल सेल और सेल तो ही आपका देखिए क्या है डिजेनरेट होने के बाद ये देखिए क्या है ये कैर्पो जो आपका कैर्पो स्प्रॉन्जियम है ये प्लेसेंटल सेल है ये प्लेसेंटल सेल है जो कि प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन तो ये क्या है ये इस तरीके से फॉर्मेशन कर देता है सिस्टोकार्प का क्या सिस्टोकार्प का फॉर्मेशन कर देता है जो कि स्टॉक होता है किससे यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला जो पेरेंट ये जो आपका बेस स्टॉक है ये देखिए ऑस्ट औस... ये देखिए ऑस्टियोल फॉर्मेशन कर रखा है ऑस्टियोल अब देखिए नीचे में हम तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है यहाँ पेरेंटल सेल आपको सेंट्रल सेल और टेट्रस्पॉन्जियम स्टॉक सेल कवर सेल ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है एक तरीके से डिफ्रेंसियन टेट्रासपोरजियम क्योंकि हमें क्या बताया था मैंने तीन प्रकार से होता है इसमें गैमेटोफाइटिक होता है कैप्रोसो कैप्रो, स्पोरोट होता है और टेट्रासपोरजियम होता है इसमें है ना टेट्रास्पोरोफाइट तीन तरीके से फेस होता है साइकिल होता है देखिए एक एक करके साइकिल हम पढ़ लेते हैं अगर हम बात करें टेट्रास्पोरोफाइट की बात करें पॉलिसफोर्निया में तो कुछ इस प्रकार से होता है ये देखिए ये जो फॉलिस्फोनिया है ये टेट्रसप्रोन प्रोड्यूस करता है बाद में बनाता बनाता है 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 जो और ये क्या है? एक तरह ऑर्गन है जो की से, मतलब सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेटोफाइट आपका स्पर्मेटेंजिया और फीमेल गैमेटोफाइट आपका कैर्पोगिया प्रोड्यूस करता है अब ये क्या होगा सेक्स ऑर्गन हो गए क्या हो गए अलग, अलग अलग आपको क्या है यहाँ पे हेप्लॉइड सेल्स

अब फिर उसके बाद कैर्पोस्पोरोट आपका कैरपो बनाता है देन उसके बाद कैरपो आपका प्रोड्यूस करता है जो कि टू एक्स आपका हैप्लॉयडी सारे क्या है आपको हैप्लॉइड मिलेंगे देन उसके बाद जो कैरपो स्पोर जो है आपका फोरिस्फोर्निया बन जाता है जो कि क्या हो जाता है टैट्रास्पोरोट कहलाता है क्या कहलाता है टेट्रास्पोरोट जो स्पोर का जो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे कितना स्पोर तो नहीं एक तरीके से कहेंगे जो इसमें बहुत सारे फेसेस जो देखने को मिले जो सबसे लास्ट वाला जो है ना आपका इसका टेट्रा तीसरी बार जो हुआ वो टेट्रास्पोरोफाइट कहलाता है तो याद रखिएगा टेट्रास्पोरोफाइट साइकिल ये देखने को मिल गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक टेट्रास्पोरोफाइट होता है जब टेट्रास्पोरोफाइट क्या होता है गैमेटोफाइट रिलीज करता है या मैं बोलूँ एक तरीके से गैमेटोफाइट जिसमें क्या है सेक्स ऑर्गन अंदर रहता है इसके तो ये गैमेटोफाइटिक फेस कहलाता है जिसमें स्पर्मेंटेंजिया कैपोगोनिया एग स्पर्म और एग गैमेट्स प्रोड्यूस करता है फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या है स्पोरो, फाइटिक, स्पोरो फाइटिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा के तो कैरपोस होता है जस्ट लाइक स्पोर होता है लेकिन स्पोर नहीं होता है जर्मिनेशन होने के बाद स्पोरो फाइट बना लेता है, स्पोर जिया। फिर उसके बाद, स्पोर, एंड बाद में फॉलिस्पोनिया तो बहुत ही ज्यादा आपको ये क्या है क्या कहते हैं टफ इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इसका डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा समझिएगा करिएगा ठीक है देन उसके बाद इसमें समरीज हैं देन उसके बाद कुछ टर्मिनल क्वेश्चन है टर्मिनल क्वेश्चन आप खुद से आ, क्या कहते हैं करिएगा कोशिश करिएगा करने की एंड बाकी आपके आपको मैंने पूरा करा दिया तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त होता है क्या था एलगी मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल जो ये चैप्टर है यहाँ पे समाप्त होता है एंड होता है और इसके बाद हमारा अगला चैप्टर जो है हम उसमें एल के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे ठीक है तो वो भी हमारा एलगी का लास्ट रहेगा फिर उसके बाद फंगी स्टार्ट करेंगे तो देन आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो फटाफट जाइए जाके लाइक बटन दबा दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए वीडियो को एंड क्या है सब्सक्राइब uh, जाके चैनल पे जाइए फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो, वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले एंड रही बात कमेंट की कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं मैं आपको क्या उसके बारे में डिटेल हो सके तो ज़्यादा मेरे को इंपॉर्टेंट लगा तो उसको उस पर मैं डिटेल वीडियो भी आपको डाल के दूंगा और देन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए फैला डालिए क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम का सीजन चल रहा है इसमें आपको सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इन वीडियो की ज़रूरत है ठीक है तो आपसे रिक्वेस्ट है इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय बाय